हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडस्ट्री यानी कि उद्योग को पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही मज़ेदार क्लास है। आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिवहन संचार के बारे में पढ़ा, जो कि वो भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, ताकि आप लोग वहां से जाकर के क्लास को कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है आज का क्लास में, उद्योग इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल, इन सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अगला पॉइंट है, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो गया था तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भिलाई स्टील संयंत्र जो है जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति को जानते हैं। तो जमशेदपुर एक तरफ है स्थान और दूसरे तरफ है लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत, यानी कि लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है और इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, इनके बारे में जानेंगे। तो इधर स्थान है और इधर प्राप्ति का स्रोत है। तो जमशेदपुर में लौह अयस्क की जो प्राप्ति है, जो उड़ीसा के गुरु महिषानी व मयूरभंज की मुंडी खानों से होती है। यानी कि जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात कारखाना है, वहाँ पे लौह अयस्क की जो प्राप्ति है, जो उड़ीसा के गुरु महिषानी व मयूरभंज की नोआ मुंडी खानों से हुई है। बर्णपुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खानों से हुई है। भद्रावती बाबा बदून पहाड़ी से। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से लॉयस प्राप्त होता है दुर्गापुर के लिए। राउरकेला उड़ीसा क्योंझर बुनाई क्षेत्र से। भिलाई डल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा। विशाखापट्टनम बैला डीला की खानों से। पारादीप उड़ीसा क्योंझर बुनाई क्षेत्र से। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है? तो लौ इस्पात उद्योग जो है जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, भारत में रूस के सहयोग से भिलाई का स्थापना किया गया, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों का स्थापना की गई। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे प्राचीन उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, और इसकी स्थापना जो कोलकाता में की गई थी और वर्ष 1818 ईस्वी में की गई थी सूती वस्त्र की कोलकाता में। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा नगर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भोपाल।
भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो रबर उद्योग पणजी में, पणजी, पणजी गोवा की राजधानी है, तो भारत में रबर उद्योग जो पणजी में स्थित है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में, टिस्को संयंत्र जमशेदपुर झारखंड में। अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र, प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी और उनके प्रमुख केंद्र को जानेंगे। तो कंपनियां हैं, इधर हमारा सहायक देश है और प्रमुख केंद्र है। तो कंपनियों में देखते हैं, बाल्को, बाल्को कंपनी जो है जिसकी सहायक देश सोवियत संघ है और प्रमुख केंद्र जो है जो कोबरा छत्तीसगढ़ में और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। नालको, नालको का सहायक देश फ्रांस है और इसका प्रमुख केंद्र जो है जो दामनजोरी ओडिशा और अंगुल ओडिशा में है। हिंडाल्को जो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता करती है हिंडाल्को को और यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडाल्को, इंडाल्को, इंडाल्को जो है इसकी सहायता कनाडा करती है। देखिए हिंडाल्को की सहायता यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका करती है, इंडाल्को की सहायता जो जो कनाडा करती है, सहायक देश कनाडा है और इसका स्थापना जो है जो जेके नगर पश्चिम बंगाल मुरी झारखंड अलवे केरल में। माल्को, इसका सहायक देश इटली और इसका प्रमुख केंद्र जो है जो चेन्नई मेट्टूर और सेलम तमिलनाडु। वेदांता, वेदांता का सहायक देश जर्मनी है और इसका प्रमुख केंद्र जो है जो झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा है, इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा है। अब आगे देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी झारखंड में किया गया स्थापित किया गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी झारखंड में। भारत के प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिशरा शहर में की गई। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट से मैं इधर भी बताई थी, पहला सूती वस्त्र कारखाना, सबसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र कारखाना ही है, सूती वस्त्र, और इसकी स्थापना जो वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया कहाँ? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट से पूछता है एग्जामिनेशन में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कहाँ स्थित है? कुल्टी पश्चिम बंगाल, स्थापना वर्ष 1874, साक्ची झारखंड, इसकी स्थापना जो है जो 1907 में हुई। हीरापुर पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना 1908 में। भद्रावती कर्नाटक में और इसकी स्थापना 1823 में। और वर्णपुर पश्चिम बंगाल 1937 में इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने को जाना। अब आगे देखते हैं हम लोग, और आज का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाएगी, इसमें जो शेष बचा है उसको मैं कल के क्लास में ख़त्म कर दूंगी। तो आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने क्लास को यहीं पे
समाप्त करूंगी। कल जो भी बचा हुआ पॉइंट्स है इंडस्ट्री उद्योग से रिलेटेड, उसको मैं कल के क्लास में पूरी कर दूंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास से आपको बेनिफिट होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम को शेयर कीजिए कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि मेरा क्लास आप लोगों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लास, आज के क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, इस क्लास को और लोगों में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।